हेलो किसान साथियों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्री राठौड़ में। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो किसान साथ अभी जो बाजरे की खेती कर रहे हैं, जिनके खेतों में अभी बाजरा खड़ा है, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो जो बाजरे के अंदर फिलहाल के अंदर एक सुंडी का प्रकोप चल रहा है, जिसको अपने कैटरपिलर बोल रहे हैं। साथ ही के अंदर बाजरे के अंदर जो फंगस से अपने रोग लगता है, जैसे हरित वाली वगैरह रोग होता है, तो अपने इसका कंट्रोल भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। दोनों का जो मिक्स करके कॉम्बिनेशन होगा उसका आपने यूज़ करना है और अपने को रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। तो पहले मैं बात करूँगा जो उसके अंदर सुंडी होती है, जो लट होती है, अभी फिलहाल में जो उसका सिट्टा या भुट्टा अपने बोल सकते हैं बाजरे का, उसके अंदर जो दाने हैं वो द्वितीय स्टेज के अंदर है। जो द्वितीय स्टेज के अंदर दाने हैं, तो सुंडी लट उसको अपने अच्छे से खा रही है और वो उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो उसके अंदर जो अपने दाने की मात्रा है वो अपने कम रहेगी और अपने को फसल में उत्पादन की अपने कमी आएगी। तो अपने इसको कंट्रोल करने के लिए एक फंगिसाइड बताऊंगा और अपने एक इंसेक्टिसाइड बताऊंगा। जो इंसेक्टिसाइड रहेगा एम्पीलोग इंसेक्टिसाइड रहेगा सिजेंटा कंपनी का, इसके अंदर क्लोरो अल्ट्रा नीली क्लोर पाया जाता है 10% और प्लस के अंदर लेमडा साई हेलो 3 इसके अंदर 5% पाया जाता है। तो इसकी अपने 80 ml मात्रा लेनी है। और सेकंड जो यूपीएल का अपने साफ फंगिसाइड रहता है, इसके अंदर कार्बनडाजिम प्लस मेनकोजेब रहता है, जो 300 ग्राम अपने इसकी अंदर मात्रा लेनी है और 150 लीटर पानी के अंदर दोनों को मिक्स करना है। 80 ml और 300 ग्राम जो यूपीएल का साफ फंगिसाइड है इसको अपने दोनों को मिक्स करके अच्छे से गोल बना के छिड़काव करना है, तो अपने इसको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सेकंड अब मैं बात करूँ जो इसको कीटनाशक है, वो लार्गो अपने धानुका कंपनी का अपने इंसेक्टिसाइड है, इसके अंदर स्पेनिनाट्रोम 11% 7 SC और जो इसकी मात्रा रहेगी प्रति एकड़ 168 से 188 ml प्रति एकड़ इसकी मात्रा रहेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।